सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा। श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त विनोद। आज सुनिए भीष्म शाहनी की कहानी गंगो का जाया। साथियों, समसामयिक हिंदी साहित्य में और ज्यादातर अन्य भाषाओं के साहित्य में भी भारत का बहुसंख्यक मजदूर वर्ग गायब है, उसकी जिंदगी का संघर्ष गायब है। साहित्य के साथ ही 3 दशक पहले ऐसी फिल्में भी दिखती थी जिनके नायक गरीब होते थे, मेहनत कश होते थे, पर आज के साहित्य सिने जगत की हालत हमें पता है। ये कहानी वर्तमान दिल्ली को बसाने वाले मजदूरों की गाथा है। इसे परिचय सहित हमने लिया है ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। तो सुनिए भीष्म शाहनी की कहानी गंगो का जाया। गंगो की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी, और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। ये दिन नौकरी से निकाले जाने का ना था, मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात के छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर सगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी, अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारों की टोकरियां उठा उठा कर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह जब गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक ना पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, अब टोकरी तुमसे ना उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूलो मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने ना माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होंठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ ना पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी हुई मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए, उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाए तो अनहोनी भी होके रहती है। गंगो खड़ी सोची रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखता हुआ चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाते क्यों नहीं, जो पेट निकला हुआ तो आई क्यों यहाँ थी। गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होंठों पर से वो हल्की सी स्निग्ध मुस्कान ओझल ना हो पाई जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी। जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतुक शुरू कर दिए थे और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी, ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूंगी, छत पर ईंटें पकड़ने का काम दे दो वो कर लूंगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी, चल दूर दूर हो यहाँ से, आधे दिन के पैसे ले ले और दफा हो जा, हरामखोर आ जाते हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा,
दुलो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगू के नाम पर लकीर फिर गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा था। गंगू ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल ना होते तो काम पर से भी छुट्टी ना मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में गर्भ वाली मजदूरन को कौन काम पर रखेगा। गंगू चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी ना थी जहां नई आबादियों के झुरमुट ना उठ रहे हो। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडर और स्मृति कंकाल रौंदती हुई बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खींचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी के बगल में अपनी झोपड़ी की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वो नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोपड़े में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांवों को चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना ना था जितने मजदूर आ पहुंचे थे। दिल्ली के हर खंडर की अपनी गाथा है, कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडर क्या होगा और कहानी क्या होगी। हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन नए झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति को सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है इस हालत में कौन काम देगा, जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया पड़ा था। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाले केवल एक, चौमासा और गंगू की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। घर वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गटीले बदन का नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में ना रहता। थोड़ी देर चिलम के कश लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, तुम गाँव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू पहले से ही सब पाठ पढ़े हुए, तू इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा भाई जमीन पर पांव नहीं रखने देगा। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है, तो यहाँ क्या करेगी? मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं है। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती का काम तो चलता रहेगा, गंगू ने धीरे से कहा। मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं, 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफी रात गए तक ये उधेड़ बुन चलती रही। सोमवार को गंगू काम पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ी की गृहस्थी डावाडोल हो गई। माँ बाप और बेटा, 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल एक। गंगू काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम का पूछती तो वो हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है तो घीसू और गंगू मजदूरों के स्तर से लुढ़क कर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भरपेट खाना किसी को ना मिल पाता। छोटा बालक रिसा, जो
जो दिन भर खेलते ना थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात हजार सोचने और भटकने के बाद घीसू के मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चीलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसा को किसी काम पर लगा दे। रीसा क्या करेगा, छोटा सा तो है। छोटा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है, इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगू चुप रही, कमाओ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता। मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर, वो क्या काम करेगा। पर घिसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकान पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घिसू के गाँव का आदमी था। इस बस्ती से एक फलांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। एक छोटा सा संदूकचा कंधे पर से लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घिसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो से कह गया, मैं गणेशी के रास्ते में कहता जाऊंगा, तू सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला, छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना माया जाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं पर एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिर कर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बची बचाई रसद छिन होती जा रही थी। दूसरे दिन घिसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कराया और 5-7 आने पैसे भी पॉलिश की टिबिया और ब्रूस के लिए दे आया। उस दिन रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पे आकर्षण था। रीसे की समझ में न आया कि पप्पा गुस्सा क्यों हो रहा था, जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे को मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गाड़े उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 साल के नन्हे से जीवन में वो इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि वो आज एक दिन में। मगर माँ को मिलते ही वो उसे दिन भर की देखी सुनाई सुनाने लगा। और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश की डिबिया उठाकर भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा। पप्पू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? सुनकर घिसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। मेरा नहीं, किसी बाबू का करना, जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपने कमाओ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया, घिसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। दो रोटियां एक चिथरे में लिपटी हुई घिसू के बगल के नीचे, एक रोटी रीसे के बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वो पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा, फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपनी जटिल इंद्रजाल फैलाए, जिसे रीसे के ही इंतजार में बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में वो बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचय रूप नजर नहीं आया, ना ही कहीं गणेशी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया, अपनी पॉलिश की टिबिया और ब्रश सामने रख लिए और अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश 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 का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज ही सुनकर स्तब्ध रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के लिए इंतजार में खड़ा था, रीसे के पास चला आया। पॉलिश करने का क्या लोगे, जो खुशी वो दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया।
बाबू ने बूट उतार दिए और दुकानदार की भीड़ में फिर जाकर खड़ा हो गया। ऋषि ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य तो वो दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता। बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में ऋषि की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आ खड़ा हुआ। ऋषि के हाथ अनजाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी। आओ देखा न ताओ, जोर से ऋषि के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे ऋषि का मुंह घूम गया। उसकी समझ में न आया कि बात क्या हुई है। गणेशी को तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था। हरमजादे काले बूट पर लाल पॉलिश और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा, कुछ हंसे। कुछ एक ने बाबू को समझाया, दो एक ने ऋषि को गालियां दी, और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। ऋषा हैरान और परेशान कभी एक मुंह की तरफ कभी दूसरे मुंह की तरफ देखता रहा, और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे डर लगने लगा। गणेशी की तरफ पॉलिश पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत ना हुई। ऋषि को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापिस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा ना था। एक गली के अंत तक पहुँचता तो चार गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वो घबरा कर रोने लगा, मगर वहाँ कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ कभी गणेशी की तलाश में कभी माँ की तलाश में वो दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का टोला यहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुंचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर खिसकाते हुए कहा, अबे साले रोता क्यों है। दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और ऋषि को खींचते हुए एक बरांडे के नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बरांडे के एक कोने में बैठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफली निकालकर ऋषि की झोली में डाल दी। ले साले, कभी कोई रोता भी है, हमारे साथ घुमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए नन्ना ऋषा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांग कर सिर के नीचे पुरुष और पॉलिश की टिबिया और एक छोटा सा चिथड़ा रखे उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटों की विफल खोज के बाद घिसु गंगू को आश्वासन दे रहा था, मुझे कौन काम सिखाने आया था, सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं, घिसु का बेटा है, कभी न कभी तुझे मिलने आ जाएगा। घिसु का उद्गीन मन जहाँ बेटे को यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहाँ इस दारुण सत्य को भी ना भूल सकता था कि अब झोपड़े में दो आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगो की गोद में नया जीव आ जाने तक झोपड़ा शायद सलामत खड़ा रहेगा। गंगो झोपड़े की बालिश पर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जिसे संसार का नवागंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। और गंगो ने सोचा, ये क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चों को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को चार चांद लगा रहा था। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे भीष्म शाहनी की कहानी गंगो का जाया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सहकार रेडियो के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी विनोद को। नमस्कार।
सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।